हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट डे मैंने आपको जो है प्राइसिंग ऑफ इश्यू का फर्स्ट मेथड पढ़ाया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको इन शॉर्ट अपन फीफो मेथड कहते हैं। आज मैं उसका आपको जो सेकंड मेथड है अगला वो बता रहा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अंतिम आगमन प्रथम निगमन। यूजुअली तो जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि प्रैक्टिकली जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड ही ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि पुराने गुड्स को आप पहले पहले इशू करते रहिए और नया गुड्स उसमें बाद में इशू होता रहेगा, जिससे कि पुराना गुड्स जो है एक तो वेस्ट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और प्लस उसकी जो प्राइस कम होती है तो वो पहले निकल जाए, फिर हम एक्स्ट्रा नई प्राइस वाला गुड्स जो है वो इशू करते हैं। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे कि राइस हो गए, वाइन हो गई, तो इसमें ये जितनी पुरानी होती है वैसे वैसे इसकी क्वालिटी और कॉस्ट जो है वो एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। तो वहाँ पर इस तरीके का जो है तरीका भी यूज़ किया जा सकता है कि जो गुड सबसे लास्ट आए हम उसको बेचें और जो पुराना है उसको हम और पुराना होने दें, जिससे कि उसकी क्वालिटी एनहांस होगी, बढ़ेगी, और उसका बेनिफिट जो है बाद में आप हाई रेट पर उसको बेचकर उठा सकते हो। तो वो आपके ऊपर है प्रैक्टिकली। अब जैसे कई चीज़ें हैं कि मेथड तो बहुत सारे होते हैं, कई बार स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारे जैसे मान लीजिए कोई भी तरीका है जिसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, भाई इस काम को करने के आपके पास 5 मेथड है, तो स्टूडेंट जनरली यही पूछते हैं कि भाई इतने सारे मेथड, अब ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल होगा। तो वो आपके बिज़नेस के जो ट्रेंड है, बिज़नेस के अंदर जो सिस्टम चला आ रहा है, आपके इंडस्ट्री के अंदर कौन सा मेथड जनरली लोग काम में लेते हैं, तो वो आप लेंगे। बाकी अदरवाइज़ काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है, जो सैद्धांतिक होती है, रूल्स होते हैं, जो प्रैक्टिकली कुछ काम आते भी नहीं, लेकिन बना रखे हैं कि आप चाहें तो इस तरीके का भी जो मेथड है वो काम में लिया जा सकता है। तो वैसे लीफो मेथड जो है वो यूजुअली इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है, कि पुराना माल जो है वो तो पड़ा रहे और नया माल आप इशू करते रहो, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग होगी और किस तरीके से अपन ये स्टोर लेजर जो बनता है वो बनाएंगे, तो वो मैं आपको जो कल क्वेश्चन किया था उसी को करके बता रहा हूँ। वैसे बुक में पूछा भी गया है उस क्वेश्चन को दोबारा वापस से सॉल्व करने का, कि आप लीफो फीफो सिंपल एवरेज से आप इसको सॉल्व करें, जिससे कि आप कंपेरेटिव चीज़ों को भी देख सकें कि हाँ भी इस तरीके से कंपेरिजन करें, तो लीफो में ये इस तरह इश्यू हुआ, फीफो में ये इस तरह से इश्यू हुआ, तो आपको माइंड में जो है वो चीज़ सही से समझ आ जाएगी। प्लस लीफो और फीफो में मात्र इतना सा फ़र्क है कि फीफो में अगर हमारे पास 3 मटेरियल है, मान लीजिए 1, 2 और 3, तो पहले अपन 1 में से इश्यू करेंगे, फिर 2 में से और फिर 3 में, ये आपका है फीफो का सिस्टम। और लीफो के अंदर जो है वो बस जस्ट रिवर्स हो जाता है और कुछ भी नहीं, पहले आप 3rd वाला इश्यू करोगे, उसके बाद आप 2nd वाला इश्यू करोगे और उसके बाद 1st। तो इन द सेंस कि जो इश्यू करने का जो पैटर्न है, बस वो इश्यू करने का पैटर्न आपका चेंज होगा, अदरवाइज़ आपके इसके अंदर कोई डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। जैसा आपने बैलेंस लिखा, रिसिप्ट लिखा, वो सारी चीज़ें आपके एज इट इज़ ही इसके अंदर आती रहेगी। तो अभी मैं आपको इसमें जो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था उसी क्वेश्चन को वापस आगे मैं इसमें कंटिन्यू करता हूँ, और आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा। और आप लोग थोड़ा सा, जैसे आप लोगों को क्लास का भी बोल दिया है कि क्लास भी आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी, तो तब तक आप एटलीस्ट ये जो वीडियोस बता रहे हैं तो उसको कंप्लीट करते रहिए, देखते रहिए अच्छे से, और प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मैंने जो कल क्वेश्चन किया था मैं उसी को वापस लीफो मेथड से जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, स्टोर लेजर को लीफो। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था इसमें जनवरी फर्स्ट को 300 यूनिट आपने परचेज की थी 3 रुपये से, तो 900 रुपये ये हो गए, और बैलेंस में 303 वाली 900। तो जिन्होंने कल वीडियो देखा है तो आई होप कि उनको ये पता ही होगा कि जैसे अगर अपन परचेज करेंगे तो हमारा जो बैलेंस होगा बढ़ेगा, और जैसे हम इशू करेंगे तो हमारा बैलेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है, इशू में तो जनवरी 6 है, लेकिन उससे पहले जनवरी 4 आपकी पड़ती है, तो जनवरी 4 को आपने फिर से परचेज की है 600 यूनिट 4 वाली, 6×24, और अब हमारे बैलेंस में पहले 300 यूनिट तो थी 3 वाली, तो 900, 600 यूनिट और हो गई 4 वाली, तो 2400, तब हमारा बैलेंस जो है एक से बढ़कर कितना हो गया, 2। तो बस बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, यहीं पर स्टूडेंट इनिशियली जो है स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं कि जब नया गुड्स खरीदते हैं तो पुराना गुड्स आपका कहीं नहीं जाता है, वो एज इट इज़ आपके पास ही रहेगा, इसलिए इसके अंदर आपको जो है उसको रिपीट करके फिर नया वाला एड ऑन करना है। उसके बाद डेट है जनवरी 6, जिसमें आप 500 यूनिट इशू कर रहे हो, तो लीफो मेथड है, तो लीफो में हमारा जो इशू है वो किस तरह से चलेगा, रिवर्स, यानी पहले अपन 600 में से गुड्स लेंगे, अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो 300 में से लेंगे, और फिर हमारा जो है वो स्टॉक का डिमांड पूरा होगा, लेकिन अभी हम 600 में से ही
500 यूनिट पूरे ले सकते हैं, 5×20 यानी कि 2000 यूनिट्स आप इसमें ले रहे हैं। और अब बैलेंस कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा कि लिफो या फिफो बैलेंस लिखने के लिए ऐसा नहीं कि बैलेंस आप उल्टा लिख दो कि पहले 600 में से 100 बचे वो लिखो फिर 300 लिखो, फिर तो ये मैथड जो होता है मिक्सअप हो जाएगा, कभी लिफो बन जाएगा कभी फिफो। तो बैलेंस आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपने लिखा पहले कि 300 यूनिट को आपने छेड़ा ही नहीं, तो 300×3 900 ये तो एज इट इज़ रह गया, और 600 में से 500 गए तो 100 यूनिट ये उसके बाद बचे हुए तो ये 400। तो इस तरीके से बैलेंस जो है वो वैसे ही लिखना है, पहले सबसे पुराना माल, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, जो भी बचे वो। इसके बाद अगली डेट है हमारी जनवरी 10। तो जनवरी 10 को हम फिर से 700 यूनिट चार वाली रिसिप्ट कर रहे हैं 2800। और अब हमारे बैलेंस में तो फिफो मेथड था वहाँ, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही बैलेंस बचा था, पर यहाँ दो बैलेंस बचे हुए, 303 वाला 900 और उसके बाद 100 आपके चार वाला 400 और उसके बाद ये नया जो है 700 चार वाला 2800। तो दैट मीन्स कि हमारे पास होल एंड सोल टोटल जो है वो बैलेंस कितने हो गए, 3 हो गए। अब उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है 10 जनवरी के बाद जनवरी 15 को आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन के अंदर गुड्स को इश्यू कर रहे हो, तो जनवरी 15 को आप कितनी यूनिट इश्यू कर रहे हो, 800। तो 800 यूनिट इश्यू कर रहे हैं, तो अपन को जैसे मैंने अभी बताया बार बार कि भाई आप जब इश्यू करोगे तो वो उसका जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा, रिवर्स रहेगा, यानी कि पहले आप ये गुड्स लेंगे उसके बाद ये फिर ये, इस तरह से ये आगे से आगे चला जाएगा। अभी टोटल मिला के कितनी यूनिट इश्यू कर ली आपको, 800। तो सबसे पहले सबसे पुराने वाले 700 यूनिट ले लेंगे चार वाली 2800, उसके बाद 100 यूनिट ऊपर से ले लेंगे और एग्जैक्टली बराबर ही वो बैठ गया मामला, 700 और 100 जो मिला के 800 हो गए और आपको एग्जैक्टली चाहिए भी कितने थे 800। और अब हमारा बैलेंस की बात करें तो सबसे पहले ये 300 यूनिट थी, ये तो आपकी चेंज नहीं हुई तो ये तो एज इट इज़ रह गई तीन वाली। फिर अब इसके बाद अपन इसके अंदर जो है नेक्स्ट जो हमारी ये 100 यूनिट थी ये इशू कर दी, ये ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद हमारे 700 यूनिट थी ये इशू कर दी, ये भी ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस बचा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा है, सिर्फ एक ही जो है वो क्वांटिटी बची है 303 वाली। इसके बाद अगला जो है 15 तारीख के बाद क्वेश्चन के अंदर जो डेट है वो है जनवरी 20, जहां पर आप 300 यूनिट जो है पाँच वाली रिसिप्ट कर रहे हैं 300×5 1500। और अब हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, तब हमारा बैलेंस जो होगा 300 तीन वाली पहले से पड़ी है क्वांटिटी और 300 पाँच वाली हम और लेंगे 1500, तो हमारे पास टोटल मिला के जो बैलेंस है वो 2 हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो 29 तारीख का है, जहां पर आपको 100 यूनिट इशू करनी है, तो 100 यूनिट 29 जनवरी को अगर आप इशू करेंगे तो यहां पर 100 पाँच वाली क्योंकि रिवर्स है तो पहले ये लेंगे 500 और बैलेंस कितना रहेगा ये 300। तो जो सबसे पुरानी थी वो तो देखिए एंड तक बाकी रह गई क्योंकि हमारा मोटिव यही था और 300 में से 100 ले लिया इसमें से, तो इसमें से बच गए 200 पाँच वाले, तो 1000। तो मतलब आपकी बुक के हिसाब से अगर अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो आपके इसके अंदर 300 यूनिट तो तीन वाली 900 और 200 ये है 1000, तो यानी कि 500 यूनिट है और दोनों की जो अमाउंट है 900 और 1000 मिला के आपके कितने रुपए हो जाएंगे, 1900। तो ये इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन आपका लिफो मेथड से होगा। अब मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन जो है वो और लिफो फीफो से जो है वो करके बता देता हूँ, जिससे कि उस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट भी है प्रॉफिट वाला, जैसे कि ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी होते हैं कि भाई अगर गुड्स ख़राब हो जाता है या रिटर्न होता है तो वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, तो वो फिर मैं उसके बाद आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर लिफो फिफो से भी क्वेश्चन एक बार और अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, प्लस उसके अंदर एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें पहले से बैलेंस दिया हुआ है तो अगर पहले से बैलेंस दिया है तो उसको कैसे यूज़ करें, और इसके अलावा उसमें एक प्रॉफिट निकालने के लिए भी बोला गया है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है तो वो भी आप इसमें देख लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस दे रखा है जनवरी 1 का आपको ओपनिंग बैलेंस, तो बैलेंस है तो सीधा बैलेंस में लिखिए 10 यूनिट है 30 वाली, तो 10×30 300। उसके बाद जनवरी इसके अंदर है आपके 10 तारीख को परचेज कर रहे हो आप
10 यूनिट 33 वाली, तो 10 इंटू 33 330, और जैसे ही आपने परचेज किया तो आपकी जो पुरानी क्वांटिटी है वो तो रिपीट होगी ही होगी, और 10 यूनिट जो आपने अभी और परचेज करी है 33 वाली, तो 330 वो आ जाएगा। तब हमारे पास जो बैलेंस है वो कितने हो जाएंगे, 2। देन उसके बाद अगला है, इशू कर रहे हो जनवरी 12 तारीख को आप, अगेन 10 यूनिट इशू कर रहे हो और ये कह रहा है कि 31 जनवरी तक इसका बैलेंस पीछे 10 यूनिट बचेगा, ठीक है। तभी मैं फीफो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो फीफो मेथड में क्या रहेगा, पहले कौन सा गुड्स इशू होगा, फर्स्ट वाला और फिर सेकंड वाला, तो आपको 10 यूनिट इशू करनी है, तो पहले 10 आप लेंगे फर्स्ट वाली 30, और आपका अमाउंट आ जाएगा 330, तो ये आपने इशू कर दी, सॉरी 10 30 वाली, और ये 10 जो है वो आपके पास पड़ी है 33, और इसने बोला है कि भाई 31 जनवरी तक भी मेरा जो बैलेंस है वो यही रहा, तो आप चाहे तो यहाँ पे 31 जनवरी को इसको रिपीट कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो चल जाता है कि भाई बैलेंस तो आपका सेम ही है, पर डेट मेंशन कर दी तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि 31 जनवरी को इसका बैलेंस जो है यही 10 ही यूनिट बचा था। अब इसके बाद फैब स्टार्ट हो रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो फैब में थर्ड को 10 यूनिट आप परचेज कर रहे हो 36 से 360, और अब हमारा बैलेंस जो था 10 यूनिट तो 33 पे था 330, और 10 यूनिट और आपने खरीद लिए 36 वाले 360, तब हमारा जो बैलेंस है वो बैलेंस हमारे कितने हो गए, इसके अंदर 2 बैलेंसेज हो गए। अब इसके बाद ये कह रहा है कि फरवरी 12 को आप फिर इशू कर रहे हो 10 यूनिट, तो 10 यूनिट इशू करोगे तो फीफो मेथड है, तो 33 वाला इशू हो जाएगा, और ये 10 यूनिट सेकंड वाली जो है वो जो आपने ही इशू कर रहे हो वो आपके बैलेंस में आ जाएगी। और उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है इसका 28 तारीख को, कि आपने इसमें 10 यूनिट खरीदी है 40 रुपये वाली, तो 10 यूनिट अगर आपने परचेज की है 40 वाली, तो 400 रुपये आएंगे, और हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा कि जो पहले हमने परचेज की थी 10 यूनिट 36 वाली, वो तो हमारे पास है ही 360, और 10 यूनिट जो अभी हमने और परचेज की है 40 वाली 400 रुपये की, ये तो ये टोटल हमारा जो है वो क्या आएगा, बैलेंस। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में देखिए एक और चीज़ इसने पूछी है, और वो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपने ये 2 महीने में जितना भी गुड्स इश्यू किया है, अगर उसको क्वेश्चन में लिखा है कि उसको बेचा है आपने 1000 रुपये में, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि भी प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का फार्मूला ऑलवेज जो है वो क्या रहता है, सेल्स और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है, कि भाई सेल्स इतनी थी कॉस्ट इतनी थी, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का आपका फार्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट किसकी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इश्यू, कि भाई कितने में आपने जो माल बेचा है उसको इश्यू किया है, तो आपने कुल कितनी यूनिट इशू करी है, 10 यूनिट ये इशू करी, 10 ये यूनिट इशू की, यानी कि टोटल मिला के कितनी यूनिट आपने इशू करी है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट अगर आपने इशू करी है जिसको आपने बेचा है 1000 में, और उसको जब इशू किया है तो उसकी कॉस्ट कितनी कितनी की थी, ये 300 रुपये का माल आपने बेचा था और इसकी कॉस्ट 330 थी, तो इसका मतलब कि टोटल मिलाकर आपके 630 रुपये का गुड्स आपने बेचा है, और 630 रुपये की गुड्स को आपने कितने में बेचा है, 1000 रुपये में। तो 630 के गुड्स को अगर आप 1000 रुपये में बेचोगे तो आपका जो है आंसर प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 370 रुपये का आपको इसमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और अब अगर आप इसी क्वेश्चन को लीफो मेथड से करोगे तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्या होगा कि आपने यहाँ पर जब दोनों में से इशू करा है इसको, तो ये चेंज हो जाएगा, पहले आपने 30 वाली रेट ली, अभी आप जब लीफो मेथड यूज़ करोगे तो 30 की जगह कौन सी रेट ले लेंगे, 33 वाली। तो ये डिफरेंस हल्का सा एक डिफरेंस जो है वो इसमें पड़ेगा, तो मैं इसमें देखिए चेंज कर देता हूँ थोड़ा, जैसे आपको अगर ये भी हो जाएगा, तो ये हमारे पास जब आप लीफो मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे तो चेंजेस क्या क्या होंगे, जैसे कि ये पहले बैलेंस है सेम रहेगा, रिसिप्ट आपकी सेम रहेगी, यहाँ जब इशू करोगे तो 30 और 33 की जगह अब आपको इसमें जब इशू करना है तो 30 की जगह कौन सी रेट वाला इशू करना पड़ेगा, 33। तो बैलेंस जो बचेगा वो आपके 30 वाला बचेगा, फिर इसमें रिवर्स 30, और इसका अमाउंट जो होगा वो आपके कितना होगा, 300। अभी इसके बाद आपने क्या किया, बैलेंस लिखा था खाली, रिपीट किया था, तो बैलेंस वापस वो का वो रिपीट हो जाएगा 10 30 वाला, तो अमाउंट जो है वो आपका कितना आ गया, 300। अभी इसके बाद आपने एक और यूनिट खरीदी,
तो ये 30 वाली थी, ये तो आपके वापस पड़ी रहेगी एज इट इज़। और अभी आपने एक और यूनिट खरीदी कौन सी, 36 वाली, तो ये ऐड ऑन हो जाएगी। अब आप वापस इश्यू करोगे तब हमारे पास एक तो 30 एक 36 है, तो लीफो मेथड है, तो ऑब्वियस है अपन कौन सा वाला गुड्स लेंगे, 36, या अमाउंट बदल कर हो जाएगा 360, और बैलेंस हमारा अभी भी जो 30 वाली यूनिट्स है वो तो आपके एज इट इज़ ही पड़ी अभी तक, 300 वो वापस आ जाएगी। और उसके बाद लास्ट आपने रिसिप्ट करी तो ये पुराना गुड्स जो था वो 30 वाला तो आपके पास पड़ा ही है एज इट इज़, और एक और आपने ख़रीद लिया। और इससे आंसर पे यहाँ प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इश्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, पहले 330 और दूसरा गुड्स है 360, तो यानी कि कुल मिलाकर 690 रुपये आपके जो है वो कॉस्ट आ गई। अब 1000 में आप इसको बेच रहे हो तो 690 और 1000 का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट आपका बदल कर कितना हो गया, 310 रुपये। तो देखिए कितना ईजी है, अगर आप फटाक से उसको अगर चेंज करना चाहते हो लिफो फिफो में, तो माइनर माइनर से चेंज से आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लिफो फिफो के अंदर जो कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं वो बताता हूँ, और उसके बाद आप एवरेज मेथड और जो भी आगे होंगे वो कंटिन्यू मैं करूँगा। थैंक यू।